पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत करने पर एक मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। डॉक्टर की हत्या करने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मैनाठेर थाना क्षेत्र के महमूदपुर माफी गांव में 2 अप्रैल को पथ संचलन किया गया था। इस कार्यक्रम में गांव के डॉक्टर निजाम भारती ने अपने मित्रों के साथ पथ संचलन में सहयोग प्रदान करते हुए स्वागत किया और पुष्प वर्षा की थी। आरोप है कि इस मामले में गांव के निवासी इमरान वारसी ने डॉक्टर निजाम भारती को जान से मारने की धमकी दी और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। आरोपी ने जान से मारने वालों को 1,00,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया। आरोपी और उसके साथियों ने डॉक्टर को गांव से खदेड़ने और मस्जिद में नाक घुसने की भी धमकी दी। उधर फतवा जारी होते ही आहत डॉक्टर ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। मैनाठेर थाना पुलिस ने आरोपी इमरान समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर इमरान को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। देखिए, थाना मैनाठेर के महमूदपुर माफी गाँव में एक व्यक्ति डॉक्टर निजाम है, जिन्होंने तहरीर दिया है, जिनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो इमरान वारसी करके है, उसने एक फतवा इनके खिलाफ जारी किया है और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसकी प्रभावी पैरवी की जाएगी ताकि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। सर, क्या एलिगेशन उसने इसमें दिया है कि पूरे कंप्लेंट में? देखिए, कंप्लेंट में डॉक्टर निजाम भारती ने बताया कि जो फतवा जारी किया उसमें इनको मस्जिदों में ना जाने दिया जाए, इनको कस्बे से भगा दिया जाए, कुछ इस तरह के एलिगेशंस जो है वो फतवा में उन्होंने जारी किया, जिसके विरुद्ध जो है तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर कार्रवाई की जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।